हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। कस्तूरबा विद्यालय शिक्षक भर्ती का बिल्कुल नया एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है 23 दिसंबर 2023 को। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर से ये वैकेंसी आई है। सैलरी 22,000 पर मंथ मिलने वाली है। बिना परीक्षा के आप लोग शिक्षक बन सकते हैं। कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम यही देखते हैं ताकि आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आगे तक वीडियो देख सकें। तो अंबेडकर नगर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए और अंशकालिक शिक्षिका के लिए वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम देखते हैं मैथ्स की वैकेंसी है, साइंस की है, अंग्रेजी की है, हिंदी की है। ये है पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी और इसमें जो है 22,000 सैलरी पर मंथ जो है मिलने वाली है। नेक्स्ट जो है अंशकालिक शिक्षिका की जो वैकेंसी है, कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प में, शारीरिक शिक्षा में, कंप्यूटर की वैकेंसी है, उर्दू की वैकेंसी है, लेखाकार की है, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मी की वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो है यहाँ सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मी या 8th पास जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेखाकार के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉमर्स में ग्रेजुएशन और साथ में कंप्यूटर का जो है डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होने चाहिए और कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए जो है VPED, CPED या DPED आपकी ग्रेजुएशन के साथ में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प विषय से स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर की जो है टेट आपकी होनी चाहिए यदि आप यहाँ कला क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो ये जो है अंशकालिक शिक्षिका की थी वैकेंसी। उसके बाद पूर्णकालिक शिक्षिका में जो है मैथ में देखिए, ग्रेजुएशन में जो है मैथ आपके होना चाहिए 3 साल और बीएड आपकी होनी चाहिए प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टेट क्वालिफाई होना चाहिए। साइंस के लिए भी जो है इसी तरीके से क्वालिफिकेशन है, अंग्रेजी के लिए भी यही है, हिंदी के लिए कहा है हिंदी और संस्कृत विषय से ग्रेजुएशन आपकी हो और साथ में बीएड प्लस टेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2। ठीक है, और यहाँ पर जो है टेट हो सकता है किसी भी राज्य का टेट हो सकता है और सी टेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल यही लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर का टेट होना चाहिए, यानी सी टेट वाले भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र यहाँ पर 25 से लेकर अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर देखिए शैक्षिक स्टाफ लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़कर लब्धांक निकाला जाएगा। लब्धांक 2.0 अंकों तक शुद्ध परिकलित किया जाएगा। लेखाकार पद के लिए अभ्यर्थी को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़कर लब्धांक निकाला जाएगा। उसके बाद जो यहाँ लिखा है कि वार्डन, फुल टाइम शिक्षिकाएं और रसोइयों को विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। तो ये जो है आवासीय विद्यालय है तो आपको वहीं पर रहना होगा। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से ही मान्य होगा। अंतिम तिथि जो है वो 6 जनवरी 2024 रखी गई है। ठीक है, और रिक्तियों की संख्या जो है वो घट सकती है, बढ़ सकती है, ऐसा यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये जो है सबसे नीचे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसे आप लोगों को डाउनलोड करके फिल करना है और फिल करके दिए गए एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ में भेज देना है समय से पहले। एड्रेस रहेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश। लास्ट डेट जो है 6 जनवरी 2024 है शाम 5 बजे तक। क्लास 6 to 8 के लिए जो है ये शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। कस्तूरबा विद्यालय से जितनी भी वैकेंसी आई है चैनल के माध्यम से आपको सभी बताई गई है। किसी भी राज्य की वैकेंसी आती है तो वो सभी आपके साथ शेयर की जाती है टीचिंग से संबंधित। उत्तर प्रदेश सरकार अंबेडकर नगर मेन वेबसाइट पर आना है आप लोगों को। सबसे पहले नीचे आप आएंगे तो वैकेंसी सेक्शन में आपको सबसे ऊपर नजर आएगा एडवर्टीजमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिसंबर 2023 डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर। इसे आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आप लोगों को मिलेगा विज्ञापन, इसे दोबारा से पढ़ेंगे। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट है, कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो आवेदन जो है वो बिल्कुल कर दें। बहुत सारे कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, इसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे फिल करके दिए गए एड्रेस पर समय से पहले 6 जनवरी से पहले आप लोगों को भेज देना है।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।